नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। पश्चिम बंगाल के पिंगला गांव के रहने वाले एक पति ने अपनी भागी हुई पत्नी को वापस लाने के लिए 5,000 रुपये का इनाम रखा है। पति ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और बच्चे को वापस लाने के लिए 5,000 रुपये का इनाम के तौर पर देने की पेशकश की है। पति का कहना है कि जब वो काम के सिलसिले में हैदराबाद में था तो उसकी पत्नी बच्चे के साथ खिड़की से बाहर निकलकर भाग गई। पेशे से बड़ई पति अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में अलग अलग जगहों पर चक्कर काट रहा है। आखिरी उपाय के तौर पर पति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और अपील की है कि जो भी उनकी पत्नी और बच्चे की जानकारी देगा उसको वो 5,000 रुपये देंगे। हालांकि सोशल मीडिया ने भी उनकी पत्नी और बच्चे के लापता होने के कारण का ज़्यादा मदद नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की जानकारी पति को 9 दिसंबर को उस समय हुई जब वो काम के सिलसिले में हैदराबाद में थे। वो अगले दिन अपनी पत्नी को खोजने के लिए लौटा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें परिवार द्वारा घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया। हालांकि पति ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई हैं। हालांकि घटना का विवरण स्पष्ट नहीं है। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी एक ऐसे व्यक्ति के साथ भाग गई है जिसने उसे मोबाइल फ़ोन लाकर दिया था। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी पत्नी इस शख्स से रात में संभलकर बात करती थी। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर की रात को एक बिना नंबर की नैनो कार इलाके में आई और उसी कार में बैठकर उनकी पत्नी भागी है। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी के लिए अकेले खिड़की तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए जिस व्यक्ति के साथ वो भाग सकती थी वो उसी ने उसकी मदद करी होगी। उसकी पत्नी ने घर से निकलने से पहले पैसे, जेवर और वोटर आईडी, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तक ले गई। पति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी पत्नी को सामग्री के वादे का लालच दिया गया होगा, वो अशिक्षित होने के कारण भाग गई होगी। अगर उसे बीच में छोड़ दिया गया तो वो घर वापस नहीं आ पाएगी। पति ने कहा कि उसकी पत्नी और बच्चा उसके माता पिता के साथ रहता था और उनके पास घर में कभी मोबाइल फ़ोन नहीं था। उसने मोबाइल फ़ोन पर पूरी घटना का आरोप लगाया और कहा घर में हर कोई अब बस उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। पुलिस को लिखित में सूचित कर दिया गया है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।